ये जो जितना भी ऊपर से ये जो बना हुआ है डेकोरेशन है या जो भी डिज़ाइनिंग की है, ये सब गोल्ड की है, प्योर गोल्ड लगाया हुआ है। और ये आप देखिएगा, मैं बाद में कुछ इतना बताऊँगा आपको। शुक्र का खुदावन ने आज अभी उस जगह पर लेकर आया जहाँ पर हम यीशु मसीह की पैदाइश की जगह को देख सकते हैं, जिसका जिक्र हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सदियों से लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, मगर देख नहीं पाए। लेकिन हम आज इसे देखने के लिए आए हैं और आपको भी दिखाएंगे। आप भी हमारे साथ साथ बने रहिएगा और इस वीडियो के जरिए से आप ओरिजिनली उस जर्नी की ज़्यारत कर पाएंगे जहाँ पर यीशु मसीह पैदा हुआ। और इस केव में जो नीचे केव है, यानी कि गार है, गार के अंदर वो उनको जगह मिली रहने के लिए बैतलहम के इस गार में, और उस गार के अंदर उनकी पैदाइश हुई। थैंक यू वेरी मच। Just there is only 1 minute visit. Only 1 minute visit there. Yeah. 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 Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. Thank you very much, God. So blessed. Thank you, Jesus. थैंक यू गॉड। दिस इज़ अ केव। मैं आप सबको बताता चलूँ, ये केव के हम अंदर आ गए हैं जहाँ पर सही मैसेंजर है, यीशु मसीह की चरनी है। हम उसका अभी ज़्यारत करेंगे। आप जा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, मैसेंजर केव, ये एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। هذه معك الكرسي ها؟ Please 2x2. Yeah, papa. Two people together. Please no pictures, please properly. Please. 1,000 people out. Please hurry up. Yes. I know it's just thank you. Too short, but it's okay. ये भी हम सुन रहे हैं। اسمع ما تطلعوش معنا راس الشوط ما تطلعوش معنا راس This is a exact journey. सिंजर है जहाँ पर यीशु मसीह को पैदा होने के बाद रखा गया था। अभी आपको मैं दिखाता चलो, ये बिल्कुल एक्सैक्ट हम उस चरनी पर हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये केव है, ये देखिएगा, ये केव है जिस केव के अंदर मरियम ने अपने बेटे यीशु को रखा। हालेलुया, बाप तेरा शुक्र। हालेलुया। ये वो केव है, देखिए स्टार जो बिल्कुल स्टार जीसस क्राइस्ट के ऊपर चमक रहा था, ऐसे बनाया।
Let's get the seat. I'm done. سامعین آپ کو بتاتے چلیں یہ اس عظیم شخصیت کا مجسمہ ہے جس نے بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا تھا اور یہ کیتھلک نیٹیویٹی چرچ ہے اور سینٹ کیتھرین چرچز کا نام ہے اور اس چرچ کے بالکل باہر یہ مجسمہ بنا ہوا ہے اور یہ پرمقدسہ مریم کا بھی مجسمہ ہے اور یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ شخصیت نے بائبل کو ٹرانسلیٹ فرسٹ ٹائم کیا تھا